केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दी सलाह, दिशा निर्देशों के अनुरूप कोविड मौतों की दे जानकारी। बीते 10 जून को बिहार द्वारा मृतकों की संशोधित रिपोर्ट देने के बाद मंत्रालय ने लिया ये फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय की युद्ध और संचालन के इतिहास के संकलन, वर्गीकरण, संग्रहण और प्रकाशन की नीति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, इस नीति के अनुसार रिकॉर्ड्स को आम तौर पर 25 साल में किया जाना चाहिए वर्गीकृत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं पर राहत दिए जाने के बारे में हुआ फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर को काबू करने के लिए किए हर संभव प्रयास। जयशंकर ने कुवैत में रह रहे भारतवंशियों को भी किया आश्वस्त। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके कराए उपलब्ध। ये टीके केंद्र सरकार की तरफ से निशुल्क और राज्यों को सीधे खरीद के जरिए किए गए हैं प्रदान। इनमें अब तक इस्तेमाल हो चुके और बर्बाद हुए टीके भी हैं शामिल। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख से अधिक लोगों को लगाए जा चुके हैं कोविड टीके। पिछले 24 घंटों में 34,33,000 से भी ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों सहित पूरे कोंकण क्षेत्र में 15 जून तक भारी वर्षा का अनुमान। मौसम विभाग ने कोंकण क्षेत्र में तेज और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा होने की जताई आशंका। दिल्ली में मानसून 15 जून तक पहुंचने की संभावना। आज विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस। इस वर्ष की थीम है, अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 16 करोड़ हुई बाल श्रमिकों की संख्या। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विश्व के अन्य नेताओं से कोविड महामारी के बाद बेहतर विश्व व्यवस्था बनाने का किया आग्रह। जॉनसन ने ब्रिटेन के कॉर्निवाल में G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही ये बात। यूनिसेफ की चेतावनी, इथियोपिया के टिग्रे में लगभग 33,000 कुपोषित बच्चे गंभीर रोगों और मौत के जोखिम का कर रहे हैं सामना। अब खबरें खेल जगत से। फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में बनाई जगह। छठी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं जोकोविच।